देख रहे हैं सच दर्शन। आउटर दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में बीते शुक्रवार उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कलयुगी पति ने अपने 3 मासूम बच्चों के सामने अपनी पत्नी की लकड़ी काटने वाली दरांती से गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में जब मासूम बच्चे बीच बचाव करने लगे तो आरोपी पिता ने अपनी बेटी के हाथ को भी लहूलुहान कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को मकान मालिक ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जहां मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम आफिया बेगम था, वहीं आरोपी पति का नाम नासिर अली था। हालांकि ये परिवार मूलतः नॉर्थ ईस्ट के असम का रहने वाला है और आउटर दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के अग्रवाल कॉलोनी में एक किराए के घर में रहता था, जहां आरोपी पति कबाड़ का काम करता था। अक्सर घर में 3 से 4 दिन बाद आया करता था। वहीं मृतक महिला ही अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती थी। जब बीते गुरुवार को आरोपी पति घर पहुँचा, वहीं सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी पर लकड़ी काटने वाली दरांती से हमला बोल दिया और अपनी पत्नी के गले और सिर को दरांती से काट डाला। इसी बीच छत पर सोए हुए मासूम बच्चे कमरे में पहुंच गए, जहां पिता द्वारा मां की हत्या होते देख अपनी मां को बचाने के लिए पिता को रोकने लगे, पर आरोपी पर जैसे खून सवार हो उसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा और अपनी बेटी को भी लहूलुहान कर दिया। वहीं लहूलुहान हालत में मासूम बेटी ने पिता की दरांती को किसी तरह खिड़की से बाहर फेंका, जिस पर आरोपी पिता ने अपने सभी बच्चों को लातों से मारकर कमरे से बाहर फेंक कर भागने लगा। इसी बीच मौके पर मकान मालिक पहुंच गया। पता ये चला कि जब हम सुबह सोकर के उठे तो सुबह 4 बजे के करीब की बात है, ये बहुत ही जिप्सी वगैरह और बहुत ही शोर शराबा गाड़ियों का हो। उसके बाद में पता लगा कि किसी कोई यहाँ पे किराए पे रहता था, उसका नाम नासिर अली था। उसने अपनी घरवाली को ही एक चापट जिससे कि लकड़ी वगैरह काटते उससे उसने उसको काट डाला। उसके सर वगैरह में यहाँ पे भी कुछ निशान आए और वो उससे उसको मार दिया। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी है। तब मेरे पापा मम्मी को मारने लगे, गले पर काटने लगे, फिर मम्मी मर गई, फिर लेट कर फिर घुमा घुमा कर फिर काला छोटे छोटे काटने ऐसे मारे फिर सर फोड़ दिया। फिर जब मैंने उसको फेंक दिया दाव को, फिर पापा तावे से मारा सर पर। मम्मी पापा आए, जब मम्मी ने बोला था कि मैं दवाई की तरह दवाई लाएगा, फिर पापा ने बोला कि ले पैसे मैं सुबह ला दूंगी, बोल के मैं 3 दिन बाद आऊँ। फिर हमें ऊपर निकला के पापा नीचे लेटे, फिर सुबह उठकर ऊपर ताला मार लगा के चैन लगा के पूरा पापा का प्लान था। फिर उसके बाद गला इधर से मम्मी को इधर से रस्सी बांध कर मम्मी को बाल पकड़, मम्मी ऐसे देखने लगी सीधा काट, मम्मी मर गई। उसके बाद सीधा काटते हमने बोल रोते रहे, फिर भी पापा इधर से काटते छोटा करके और इधर से ठाठा करके मारे, फिर टूट गया। फिर पापा का और प्लानिंग था कि पहले मारेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, तेल हम तो उठेंगे नहीं सोचा था, तो फिर ताला खोल के फिर इधर से जाकर उधर से कूद कर चले जाएंगे, प्लानिंग था ये मम्मी का पापा का। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम हॉस्पिटल भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आउटर दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।